तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पतंग बन रही है और आपको एक इंसान से मिलाऊंगा। ये हमारे भाई हैं, मैंने इनकी एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब। एक्चुअली मैं यूसुफ सर, इतने लोगों ने कमेंट किया है ना, वीडियो बनाओ, ये रिकमेंडेड वीडियो है। ये भी 3 रुपये 20 पैसे, 3 रुपये 20 पैसा भाई, फिनिशिंग काफी बढ़िया है। ये क्या सर? ये सो है व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर सिराज रफी एक और नई वीडियो के साथ। वेलकम यूट्यूब चैनल सैजू व्लॉग। तो भाई यार मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना कमेंट से कि सैजू भाई कोई भी वीडियो मत डालो, काइट फेस्टिवल आ रहा है, काइट की वीडियो डालो, मांझे की वीडियो डालो, इसकी वीडियो डालो, काइट की वीडियो डालो। तो गाइस लो, मैंने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए काइट की वीडियो, और अब से हमारे चैनल पर सिर्फ आने वाली है काइट की वीडियो। कब तक? हमारे उत्तरायण तक। उत्तरायण जो होती है हमारे अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर 14 जनवरी को होती है, और भाई इसको काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है और पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं उत्तरायण मनाने के लिए, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं आया हूँ जमालपुर काइट मार्केट, जो भाई काफ़ी बड़ा मार्केट है, और यहीं से सारी जो पतंग वगैरह होती हैं मैन्युफैक्चरिंग होके पूरे गुजरात और पूरे इंडिया में जाती हैं। यहाँ देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा शॉप यहाँ पर अवेलेबल हैं, बट इतना ज़्यादा मार्केट लगा हुआ नहीं है। तो एक शॉप पे लेके आया हूँ मैं आपको, जहाँ पे भाई 12 के 12 महीने आप लोगों को फुल 100% स्टॉक अवेलेबल मिलता है। यहाँ पे हमारे साथ बैठे हमारे यूसुफ सर। कैसे हैं आप? हाँ जी बढ़िया जी। तो यहाँ पे हमारे साथ यूसुफ सर है, जिनकी पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनते रहती है हमारे यहाँ पे यूसुफ भाई के यहाँ पे। यूसुफ भाई अपने फॉर्म का नाम बताइए और अपनी ब्रांड का नाम बताइए। अपनी फॉर्म का नाम है BS पतंग मेकर जी, अहमदाबाद गुजरात जी। और एड्रेस भी बता दीजिए ताकि आ जाए। जमालपुर पतंग बाजार जी, तो BS पतंग मेकर अपनी फर्म का नाम। तो भाई यहाँ पे से सीधा आएंगे ना, तो इधर से जाएंगे तो जमालपुर आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सीधा आके BS पतंग पे आ जाना। सबको मालूम है यहाँ का रास्ता, फिर भी मैं एड्रेस दे दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक। मैंने सुना है मार्केट का हाल कैसा है यूसुफ भाई? मार्केट में इस बार तो नहीं, 10% भी नहीं के माल बना नहीं है जी, तो अपने पास 100% माल है नया। 100% है, वो भी सब जाते कहते जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल जी। मतलब 12 महीने, मैंने सुना पूरे 12 महीने पतंग बेचते? हाँ पूरे 12 महीने हमारा पूरा वन, यानी ऑल इंडिया का हम लोग काम करते पूरा। कौन कौन, मतलब अगर किसी को ऑनलाइन आपसे पतंग परचेस करनी हो तो ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ से आपसे पतंग परचेस कर सके लोग? जैसे हमारा जैसे इंडिया मार्ट है, जज डायल है जी, एक्सपोर्टर इंडिया, वहाँ पर भी हमारा लिंक है जी, वहाँ से भी आप जाके हमें कॉल करके हमारे से परचेस कर सकते हैं पतंग। क्या बात है। तो गाइस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है इंडिया मार्ट की, बहुत सारी अलग अलग लिंक डाल रखी है, अगर आप लोग पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहते हो तो वहाँ से जाके आप लोग अपना जो भी पतंग और दोरी, दोरी भी है ना ऑनलाइन, तो दोनों चीज परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले यूसुफ सर ये बताइए कि अपने यहाँ पे पतंग की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है? पतंग की स्टार्टिंग जैसे अभी इस बार जो प्लास्टिक का जो छोटा पतंग आता है जी, वो अपने पास 1 रुपये 20 पैसे से स्टार्ट, 1 रुपये 20 पैसे से स्टार्ट है। उससे भी सस्ती और कोई है? उससे भी सस्ती तो अभी वो 1 रुपये का पतंग आता है, 1 रुपये का पतंग आता है। तो स्टार्ट करें क्या? हाँ चलो चलो आ जाओ। तो गाइस मैं आज की वीडियो भाई काफी ज्यादा लोगों ने, एक्चुअली मैं यूसुफ सर, इतने लोगों ने कमेंट किया है ना वीडियो बनाओ, ये रिकमेंडेड वीडियो है। नहीं तो मैं ये वीडियो हमेशा दिसंबर की एंडिंग या जनवरी की स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया कि वीडियो स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट किया। नहीं, आपको अच्छी प्रोडक्ट भी बता रहे, तो आ जाओ यहाँ पे देखो खाली बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये तो सर का मतलब यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे पतंग वगैरह यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको यहाँ पे बिठा के दिखाया जाता है, लेकिन आपका गोदाम भी है ना यूसुफ सर? हाँ गोदाम भी अलग है अपना जी, ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी होता है पतंग। अच्छा, यहाँ से ऊपर पर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। काउंटर अभी लगा नहीं है, काउंटर लगने के बाद रिटेल भी करेंगे मैंने सुना। हाँ रिटेल भी चलेगा, होलसेल भी चलेगा, दोनों चलेगा। ओके, और 12 मास रिटेल रहता है या होलसेल रहता है खाली? दोनों 12 मास 12 माह होलसेल रिटेल दोनों। क्या बात है भाई। तो भाई जिसको भी पूरे इंडिया में पतंग नहीं मिल रही हो तो यूसुफ सर को कॉन्टेक्ट कर लेना, पूरे 12 मास आपको पतंग मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 1 रुपए की पतंग से। 1 रुपए की एक पतंग है जी। ओके, सबसे सस्ती पतंग एकदम 1 रुपए की, 1 पैसे की एक पतंग, 1 रुपए की। ओके बराबर, फिर ये 1 रुपये 40 पैसे की, 1 रुपये 40 पैसे की। ये 3 वाला साइज है, 3 वाला साइज। साइज भी गाइस आप लोग साइज भी देखते जाओ और पैसे भी देखते जाओ। ये 26.5 का साइज है जी, ये आपको पड़ेगा 1 रुपये 60 पैसे का। ओके बराबर, नेक्स्ट देखिए, ये प्रिंट वाला पतंग आता है जी, ये 21.5 का साइज है, बामची प्रिंट बोलते हैं इसको, बामची प्रिंट। ये आपको 1 रुपये 60 पैसे का पड़ेगा। ओके, ये पड़ेगा आपको 27.5 फोटो प्रिंट जी, ये आपको 2 रुपये
अढ़ी रुपए का एक पतंग पड़ेगा, अढ़ी रुपए का, ढाई रुपए का, okay, 2.5 का मिलता है, रिटेल के अंदर 5 रुपए का भी है, 5 का बिकता है, इजीली बिकता है ये वाला, समझे? ओके, प्रिया वाला पतंग, ये वाला देखो, ₹1.60 का, ये भी 3-4 रुपए का एक पतंग, 4 रुपए का पतंग रिटेल में बिक जाता है। अरे सब 100% प्रॉफिट वाला ही बिजनेस है। हाँ, ये तो है ही ना, पूरे 12 मास अभी फ्री है। लोग क्या करेंगे अभी ना, अभी क्या करेंगे सर, पता है कि 50,000 1-1 लाख का माल स्टॉक कर लेंगे, फिर उसके बाद है ना जैसे ही उतरान आएगी ना वैसे बेचना चालू कर देंगे, डबल भाव हो जाता है, तो 1 लाख का 2 लाख बन जाता है। अभी जैसे ये 2.5 रुपए का एक पतंग है, हाँ, अभी कितने का बिकेगा बोलो? आई थिंक 7 रुपए का बिकना चाहिए, बड़ा है ना, तो ये 100% प्रॉफिट से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा, सही बात है। ये बड़ा पतंग है गाइस, ये 2.5 रुपए का एक पतंग, हमारी शॉप पर आएगा तो 2.5 रुपए का एक पतंग। हाँ, ये सब 7-7 रुपए का बिकता है। हाँ, भाई देखो मेरा हाथ देखो, ये पतंग कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया बड़ा, इसमें हमारे पास जैसे बहुत सारी क्वालिटी। चलो भाई, कागज है कि पन्नी हो? कागज पन्नी हो गई सर, ये पन्नी में बता दूं, दूसरी पन्नी देख लेते हैं, फिर उसके बाद कागज देखते हैं। पन्नी हमारे पास जैसे ही है, ये 3.5 का अद्दा है जी, ये 3.60 रुपए का, 3.60 रुपए का। हाँ, ये भी 7-7, 8-8 रुपए का, डबल यानी 10 रुपया डबल बिकेगा, ये 10 रुपए में तो बिके जाएगा। फ्री है ये वाला, 4.80 रुपए का, 4.80 रुपए का भाई, ये कम से कम 15 का जाएगा। हाँ, ये आराम से 100 से ज्यादा जा रहा है, डबल जा रहा है, 200% जा रहा है प्रॉफिट एकदम। मैंने होलसेल प्राइस बोला मैंने, तो ये जो आप प्राइस बोल रहे हो इसमें रिटेल में मिल जाएगा, ये 100 पतंग कम से कम 100 लेनी पड़ेगी, कम से कम 100 लेंगे तो ये आप दे देंगे। हाँ, 20 पतंग नहीं देंगे, 20 पतंग नहीं देंगे, खाली 100 और अगर किसी को 50 या 20 लेना हो तो उसका रेट अलग होगा, या नहीं देते? नहीं, वो उसका रेट अलग रहेगा, फिर देंगे सही। कम से कम 100 पतंग ली ना, जैसे ये हमारा होलसेलर के लिए, रिटेल में चाहिए तो रिटेल का उसका प्राइस अलग रहेगा, अलग रहेगा, मतलब 20-25 अगर किसी को चाहिए तो आप देंगे जरूर, देते जरूर है, मगर जैसे भी जैसे ये मैंने 4.80 रुपए की बोली। हाँ, ये समझो ना, ये आपको 100 रुपए कौड़ी पड़ी। हाँ जी, सही बात है। अगर आप एक कौड़ी मांगते हो आप, हाँ, तो ये आपको 120 रुपए 130 रुपया बढ़ जाएगा, अलग सीन हो जाएगा, अलग से एक्स्ट्रा देना, रिटेल में मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। चलो यूसुफ सर, 20-30 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग, बड़ी क्या वो भी मिल जाएगा, ये वाली देखो, ये मेटल में आ जाएगी, काफी बढ़िया लग रही है ये, मेटलाइज में, ये कितना है इसका? ये 6 रुपए का एक पतंग है, 6 रुपए का, मेरे को तो सस्ता लगने लगा है। पहले जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाने आया करता था ना, तो वो टाइम पे पतंग का रेट 1-2 रुपया हुआ करता था रिटेल में भी, लेकिन भाव इतना ज्यादा आसमान छू है ना कि अभी सस्ती लग रही है। अभी ये होलसेल प्राइस है, मेटल में ही है, क्वालिटी बढ़िया है, इसमें 10 डिजाइन आई है अलग अलग। ओके, बराबर, देखते हैं फिर एक अपने पास, ये प्लास्टिक उससे बड़ा ढाल आ गया, लो ये कितने का? ये 9 रुपए का एक पतंग। क्या बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा तो नहीं ना कोई कस्टमर आएगा ना, तो होलसेल में भाव बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ना? नहीं, जो भी आएगा उसको 9 रुपए में देंगे, क्योंकि बहुत सस्ता है। ये 9 रुपए का नहीं है, ये कम से कम 25-30 रुपए का एक पीस बिकेगा। नहीं, हम होलसेल में 9 रुपए का देते हैं। क्या बात है भाई, 1 रुपए वाली पतंग से इसका साइज दिखाओ ना, तो सबको मालूम पड़े कि मैं क्यों इतना चौंक रहा हूँ, फालतू थोड़ी चौंक रहा हूँ गाइस। मैं आपको साइज दिखाता हूँ, ये देखो साइज देखो, ये 1 रुपए का पतंग है, ये 9 रुपए का पतंग है, 9 गुना बड़ा है, ठीक है, और ये कम से कम 25 रुपए का एक पतंग बिकता है भाई, ले जा सकते हैं। ये मार्केट में 20 रुपए का तो बिकता ही है, रिटेल में जो हमसे जो लिया तो 20 रुपए का बिकता है, 20 रुपए का तो बिकता ही है, हम होलसेल में 9 रुपए का देते हैं। राइट राइट राइट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है सर। फिर हमारे पास जैसे ये है, चलो कागज की स्टार्ट कर रहे हैं, कागज में जैसे ये सफेद रॉकेट हो गया, सफेद रॉकेट, ये 3.20 रुपए का, 3.20 रुपए का। हाँ, ये 6-7 रुपए का एक बिकेगा, इजी बिकता, ये होलसेल प्राइस, ये पावला, ये भी 3.20 रुपए, 3.20 रुपए भाई, फिनिशिंग काफी बढ़िया है। ये क्या सर? ये 4.10 रुपए का लेमन प्रिंट, लेमन प्रिंट 4.10 रुपए का भाई, फिनिशिंग देखो क्या है, समझे? हाँ, ये कलर चिल आएगा इसके अंदर, ये जितने भी आपने पतंग दिखाई तो डिजाइन तो बहुत सारी होंगी, ये तो सारी सैंपल है, इसमें एक एक डिजाइन के अंदर 10-10 का डिजाइन आएगी। क्या बात है, 100 पतंग लोगों तो कम से कम 10 डिजाइन आएगी। ओके, मतलब लिमिट है ही नहीं जो भी दिखा रहा है, कस्टमर को यानी लेगा तो उसके अंदर डिजाइन बहुत सारी आएगी। जी जी, तो ये देख सकते हैं, ये कितने का? ये 3.60 रुपए का, 3.60 रुपए। हाँ, इसमें भी 10 कलर आएंगे अलग अलग, 10 कलर अलग अलग, अलग अलग देखते हैं भाई। ये देखो नया कुछ प्रिंट आया वाला, ये खंबाती बोलते हैं, खंबाती कपल वाला देखो, ये 7 रुपए का एक पतंग पड़ता है भाई, बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत पतंग है। वाओ, इसका प्रिंट अलग है, ये वैलेंटाइन डे वाला है। वाओ, अभी वैलेंटाइन कब आएगा? ये तो फरवरी में आता है। हाँ, ओके, तो जो है ना इसे लेके रख सकता है, यंग लोग होते हैं वो ले आते हैं ज्यादा उड़ाने के लिए। फरवरी में भी बिकती है क्या? नहीं, जनवरी में कोई यंग होता है ना, यंग जनरेशन के लिए पतंग बहुत बिकती है। कितने का ये? ये भी 7 रुपए का, क्या होलसेल में,
लो भाई होलसेल में 7 रुपए का, रिटेल में भी ले जाना हो तो ले जा सकते हो, यूसुफ भाई से कॉन्टेक्ट कर लेना, उसका प्राइस अलग रहेगा। ये 8.5 रुपए लो भाई, थोड़ा उससे बड़ा हुआ 8.5 रुपए का, बराबर। ये सब खंबाती दिखा रहे ना? हाँ, ये खंबाती भी है ना, इंडिया यहाँ का भी, लोकल भी। अच्छा, खंबाती की पहचान कैसे होती है सर? खंबाती की जैसे ये सिल्वर चाटी लगी होती है ना, 7 चाटी, 1, 2, 3, 4, 7 होनी चाहिए, 7 चाटी होती है। ओके, नेक्स्ट खंबाती होती है, फिर ये पट्टे वाली है की। वाओ, ये चीज देखो, ये 8 रुपए की भी, 8 रुपए की, ये काफी बढ़िया, छोटी नहीं है। ये सफेद प्रिंट भी हमारी है, सफेद प्रिंट, 27.5 रेगुलर साइज है, ये 3.80 रुपए का एक पतंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये 4.5 रुपए का पतंग है, 4.5 रुपए का, ये 4.10 रुपए का, 4.10 रुपए, 4.20 रुपए का, 4.20 रुपए का। ओके, अलग अलग चांदर में भी अलग अलग कलर है, आंखोदार में भी अलग अलग कलर है। ये हो गया इसमें, ये लो थोड़ा प्रीमियम और बड़ी पतंग, ये प्रिंटेड, प्रिंटेड है ये, 8.5 रुपए का एक पतंग है। ओके, 34.5 पौना है। ओके, इसके अंदर अलग अलग कलर, अलग अलग 10 डिजाइन है, डिजाइन भी। फिर हमारे ये गुजरात की जान, ये चीज, ये पौना चील, ये 8.5 रुपए का, सिर्फ गुजरात में ही बनती है। नहीं, गुजरात की ज्यादा नहीं, क्या चॉइस होती है, कस्टमर की चॉइस, मतलब ज्यादातर लोग यही परचेज, हाँ, अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में उड़ती है। कितने का ये? 8.5 रुपए का, 8.5 रुपए का। ओके, ये होलसेल प्राइस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये इससे बड़ी वाली, उससे बड़ी, इससे बड़ी भाई, ये पतंग, मतलब अगर किसी को उड़ाते आती है और उसने एक बार सही डोरी से उड़ा दिया तो भाई वो काटे बिना नीचे नहीं उतरेगा, सही बात है। ये देखो, ये 10 रुपए का एक पतंग है, 10 रुपए का एक पतंग। नेक्स्ट देखिए वाला, सबसे बड़ा पतंग आ गया, ये वाला आ गया। ओके, ये चीज देखो, ये कितने का सर? ये 2 तवा है, कितना है ये? 45.5 का एक तवा है, एक तवा। वो अभी जो बड़ी बड़ी है 52, बहुत बड़ी बड़ी पतंग बाकी, वो बनने में ही है भैया। कितने का सर ये अपने को? ये समझो ना, 16 रुपए का एक पतंग पड़ेगा, 16 रुपए का एक पतंग पड़ेगा, ये जाता है तकरीबन 35 या 40 रुपए, ये होलसेल प्राइस हमारा। ओके, तो सर आपने बताया ऊपर पतंग बन रही है, तो देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं, बता। तो आ जाओ गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, कौन सी पतंग बन रही है सर? ऊपर प्लास्टिक की पतंग बन रही है हमारी, प्रिंट वाली, जो पन्नी वाली आती है ना। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, पतंग बन रही है और आपको एक इंसान से मिलाऊंगा, ये हमारे भाई है, मैंने इनकी एक शॉर्ट वीडियो डाला था यूट्यूब पे, अगर कोई ने देखा हो तो इनको आप लोग पहचान जाओगे। ये भाई की स्पीड है, मेरे हिसाब से तो पूरे गुजरात में किसी के पास इतनी स्पीड नहीं होगी पतंग का स्टिकर लगाने में, इनसे ज्यादा स्पीड तो फिलहाल नहीं होगी, क्या बोलते हैं सर? हाँ, एकदम। ये रोज का 20,000 पतंग लगाता है। कितना? पर डे। देखो यार, पतंग गिर गई, कोई बात नहीं, चलते रहता है भाई। हमारी पतंग देखो, ये 2024 की, 2024 का भी, ये न्यू प्रिंट आ रही है, प्रिंट है ये, या आपने डिजाइन किया? हाँ, ये भी तो ये मार्केट में आया भी नहीं है। ओके, तो गाइस एक काम करेंगे, यहाँ पे जो मेकिंग हो रही है ना पतंग की, उसकी मैं एक्स्ट्रा एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि मतलब किस तरीके से मेकिंग होती है और मेकिंग के अंदर क्या क्या लगता है, किस तरीके से बनती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अगर जो भी पतंग को प्यार करता है ना गाइस, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और गाइस, मैंने और यूसुफ सर ने मिलके एक चीज डिसाइड की है, गिव अवे अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहो, गिव अवे मिलेगा सबको इस बार, पतंग बहुत सारी मिलने वाली है, तो उसके लिए वेट करो। जब भी यूसुफ सर की वीडियो आएगी, आप लोग वो वीडियो जरूर देखना, जमालपुर की वीडियो, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आज की वीडियो में एंड करूंगा, और काफी ज्यादा मजा आया आज की वीडियो में, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।